हेलो एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 11 की बात कर रहे थे। संधि हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें स्वर संधि हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। और जो है स्वर संधि का जो दीर्घ संधि और गुण संधि, हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में, इस पार्ट के संधि वाले पार्ट के पार्ट 2 में हम वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों वृद्धि संधि, वृद्धि मीन्स क्या होता है? बढ़ जाना। वृद्धि मीन्स क्या होता है? बढ़ जाना होता है। और जैसे अ या आ स्वरों की बात हो रही थी, तो हमने दीर्घ संधि और गुण संधि में यहाँ तक के स्वरों की बात की थी। इसमें री भी था। तो यहाँ तक के स्वरों का मिलान हो रहा था। अ कभी ई से मिल रहा था, अ अ से मिल रहा था, ई ई से मिल रहा था। इस तरह जो है दीर्घ संधि और गुण संधि में ऐसे मिलान हो रहा था। वृद्धि संधि में अ या आ का मिलान किससे होगा? ए या ऐ से होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम री के बाद। यहाँ तक तो री तक का हुआ था, अब अ या आ का मिलान किससे होगा? ए या ऐ से। तो क्या बनेगा? ऐ। क्या बनेगा? ऐ। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक प्लस एक, हमारे पास दो शब्द है, एक धन एक। क में अ है और एक का ए है, तो अ और ए मिलकर क्या बन गया? ऐ। वृद्धि संधि के नियम के अनुसार ऐ बन गया, और हमारे पास क के ऊपर ऐ की मात्रा लग जाएगी और क्या बनेगा? एक एक। जब एक और एक को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक एक बनता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे सदा प्लस एव। सदा का आ और एव का ए, तो आ और ए मिलकर क्या बनेगा? आ और ए मिलकर क्या बनेगा? आई। और क्या बनेगा? सदैव, सदैव। ठीक है। महा प्लस ओजस्वी, महा का आ, ओजस्वी का ओ। आ और ओ मिलके क्या बन जाएगा? औ। औ बनेगा और क्या बनेगा? महोजस्वी। दंत प्लस ओष्ठ, दंत का अ, ओष्ठ का ओ, दंतौष्ठ। औ की मात्रा आ जाएगी उसमें। तो ये है वृद्धि संधि के उदाहरण, और ये वृद्धि संधि थी। आपकी बुक में वृद्धि संधि का एक भी उदाहरण नहीं दिया हुआ है, तो वृद्धि संधि भी होती है और इसके ये उदाहरण होते हैं। क्लास 7 में आप पूरे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब आता है हमारे पास अयादि संधि, सॉरी यण संधि, और फिर पढ़ेंगे हम अयादि संधि। यण संधि में ई या ई का मिलान किससे होगा? असमान स्वर से। अब इन स्वरों की, यहाँ तक तो हमने इनको मिला के देख लिया तीनों संधियों में, ठीक है। ये तीसरी संधि में इसका मिलान इससे भी हो गया, इसका मिलान इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब यण संधि में क्या होता है? ई या ई के बाद असमान स्वर, यानी कोई सा भी स्वर आ जाए, पर फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए? ई या ई होना चाहिए, ऊ या ऊ होना चाहिए, या री होना चाहिए। तो अगर ई या ई के बाद कोई सा भी स्वर है तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा। ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर है तो व बनता है। री के बाद असमान स्वर है तो र बनता है। इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं कैसे। जैसे यदि प्लस अपि, यदि के द में क्या है? छोटी की मात्रा ई, और अपि का अ, तो ई, इस ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। सिर्फ ई के स्थान पे बनेगा, इसमें ध्यान देने की बात है। वहां पे तो दोनों के स्थान पे एक आ जाता था, पर यहां पर क्या होगा? इस ई के स्थान पर ये बनेगा, ठीक है। और ये अपि ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये अ इस ये में मिल जाएगा तो पूरा ये हो जाता है, और द आधार रह जाता है तो यद्यपि क्या वर्ड बढ़ के आएगा। हाँ, इसके यण संधि के उदाहरण आपकी बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो यहाँ से लेकर ई और अ, आप इनको देख के, इन फॉर्मूलाज को देख के आप अपनी बुक को देखना,
कि ये फॉर्मूलाज जो बुक में लिखे हुए हैं ये कभी बुक में लिखे हुए कभी भी समझ में नहीं आते जब तक मैं इनको ये नाम देकर और फॉर्मूलाज आपको नहीं बताती हूँ तो। ठीक है, आप इसको रीड एंड स्टडी करना यहाँ से बुक से, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये संधि क्या है। तो यहाँ से यण संधि के उदाहरण है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मातृ अनुमति, पितृ अनुमति, मात्रानंद, क्योंकि री भी है ना, री मिलकर क्या बनता है असमान स्वर के साथ, र बनता है। तो ये ई है और ये असमान स्वर अ है, यानी उसके ई के जैसा नहीं है। अगर ई का मिलान ई से होता तो कौन सी संधि हो जाती, जो फर्स्ट में पढ़ी थी हमने दीर्घ संधि, ई का मिलान ई से होता है तो दीर्घ संधि हो जाती। ठीक है, तो ये है यण संधि। अब हम पढ़ेंगे पांचवी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में बच्चों फर्स्ट पार्ट में या तो ए होगा, आई होगा, ओ होगा या औ होगा। अगर ए का मिलान असमान स्वर से होता है तो क्या बनता है, अय, जैसे ये उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे ने प्लस अन, ने में क्या है ए और अन का अ, तो यानी ए का मिलान अगर असमान स्वर यानी अ से हो रहा है तो ए के स्थान पे क्या बन जाएगा, अय, अय भी हलंत वाला बनेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और न में ये अ आके मिल जाएगा तो पूरा न हो गया, ये में ये वाला अ आके मिल गया तो ये हो गया, और नयन क्या बन गया, नयन। तो इसके अयादि संधि के उदाहरण यहाँ आपकी बुक में यहाँ से हैं, ये देखो ए प्लस अ आय, गायक, भवन, भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, नौ प्लस इक नाविक, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन। ये सारे उदाहरण इस यण संधि के, अयादि संधि के हैं। तो बच्चों ये थी हमारी स्वर संधि, अब हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मिलान होता है और मिलान होने से जो विकार पैदा होता है, जो बदलाव आता है, वह क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। यानी फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यानी व्यंजन का मिलान स्वर से भी हो सकता है या फिर व्यंजन से भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। पर क्या फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, व्यंजन होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, उत प्लस घाटन, सिर्फ ये देखते ही क्योंकि फर्स्ट पार्ट में त, त क्या है, व्यंजन है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो उद्घाटन, विकार क्या हुआ, बदलाव क्या आया, त को क्या हो गया, द हो गया। ये इसके व्यंजन संधि के भी नियम होते हैं, जैसे मैंने स्वर संधि के नियम पढ़ाया ना आपको कि इसके और इसके मिलने से ये हो जाता है, तो बहुत विस्तारित है, लेकिन अभी आपको सिर्फ व्यंजन संधि क्या होता है यही बताया गया है। तो अगली कक्षाओं में हम इसको विस्तार से समझेंगे। जैसे दिक् प्लस गज, क, क का मिलान किससे हुआ, ग से हुआ, तो क को क्या हो गया, ग हो गया, और हमारे पास क्या बन गया, दिग्गज। यानी कि व्यंजन का, व्यंजन से मिलने से जो विकार पैदा हुआ वो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के आपके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नियम हैं व्यंजन संधि को समझने के, लेकिन वो हम नियम कहाँ पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। उदाहरण देख लेते हैं एक बार, जैसे तत् प्लस लीन, त को ल के समान हो गया, तल्लीन हो गया, निर प्लस रोग, निरोग हो गया, न में बड़ी की मात्रा आ जाती है, सम प्लस न्यासी, म को अनुस्वार हो जाता है, सन्यासी, सम प्लस ध्या, संध्या, राम प्लस अयन, देखो रामायण है, राम प्लस अयन, रामायण, परी प्लस मान, परिमाण, वाक प्लस मय, वांग्मय। इस तरह ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तीसरी संधि है हमारे पास विसर्ग संधि। संधि का दूसरा भेद था व्यंजन संधि, संधि का तीसरा भेद था विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि यानी कि विसर्ग, विसर्ग को कैसे लगाते हैं, दो बिंदुओं के रूप में लगाते हैं। विसर्ग का मिलान या तो स्वर से हो या फिर व्यंजन से हो सकता है, और इसके मिलान होने से जो विकार बदलाव आता है वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नीह प्लस चय, तो इस विसर्ग को क्या हो गया, श हो जाता है और क्या बन गया, निश्चय। दुह प्लस बल, यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया, र हो जाता है और क्या बन गया, दुर्बल। अब यहाँ भी आप कहोगे कि यहाँ तो विसर्ग को श हो गया और यहाँ पर विसर्ग को र हो गया, तो ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो लेकिन आपके तो बड़ी कक्षाओं में इसके भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे स्वर संधि के नियम बताए मैंने उसी तरह इसके भी नियम हैं, लेकिन अब बड़ी कक्षाओं में आप इनके नियमों को जानेंगे। सिर्फ यहाँ पर तो हम इतना जानेंगे कि विसर्ग दिख रहा है तो पहचानेंगे कि ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है, इतना पहचानना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संधि विच्छेद करना होता है। ठीक है, तो संधि के बारे में बहुत ही हल्का दिया गया है यहाँ पर, तो आपके बहुत लाइटली दिया गया है चैप्टर में, तो उतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरणों के द्वारा, जैसे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों की संधि कीजिए, जैसे रजनी प्लस ईश मिलकर क्या बनेगा। अब जैसे मैंने स्वर संधि के आपको नियम पढ़ाए थे कि बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनता है, बड़ा ई, यानी एक ई रह जाएगा, कौन सी संधि कहलाती है, वो दीर्घ संधि। बड़ा और बड़ा मिलकर बड़ा रह जाता है, तो कौन सी, फर्स्ट वाली जो संधि पढ़ाई थी ना दीर्घ, वो, तो ई और ई की जगह एक ई यहाँ से हट जाएगा, एक बड़ा ई रह जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, रजनीश। ऐसे काम आती है संधि पढ़ना। जैसे दया प्लस आनंद, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, तो एक आ हट जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है और क्या है, दयानंद। भाव प्लस अर्थ, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो अ और अ मिलके क्या बन जाता है, आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है और भावार्थ। दीप प्लस अवली, अ और अ है, क्या बन गया, दीपावली। अल्प प्लस आहार, अ है और आ है, अ का मिलान आ से हो रहा है, तो क्या बन रह जाएगा, आ रह जाएगा, अल्पाहार। इसी तरह इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में और भी है, हिम प्लस आलय, तो हिम का अ और आलय का आ, एक आ बन जाएगा, अ हट जाएगा, हिमालय। वधू प्लस उत्सव, वधू बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ ही रह जाएगा, वधू उत्सव। परम प्लस ईश्वर, परम का म का अ और ईश्वर का ई, अ और ई मिलकर गुण संधि का उदाहरण है, ये ए बनता है, अ फर्स्ट पार्ट में अ हो सेकंड पार्ट में ई हो तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, परमेश्वर। रवि प्लस इंद्र, रवि का छोटा ई और इंद्र का बड़ा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई बन जाता है, रविंद्र। कवि प्लस ईश, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई रह जाता है, कविश। यानी कि सारे उदाहरण दीर्घ संधि के हैं इस एक्सरसाइज में, सिर्फ एक आया है उदाहरण गुण संधि का, है स्वर, सारी स्वर संधि है, देखो व्यंजन संधि है ही नहीं इसमें, तो बहुत ही कम जो लाइटली आपको व्यंजन संधि विसर्ग संधि के उदाहरण है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ पर विच्छेद करना है, इनको अलग करना है। स्वल्पाहार, तो जहाँ बीच में मात्रा लगी ना वहाँ से उसको टुकड़े कर दो, स्वल्प प्लस आहार। राज ऋषि, राज के बाद र की मात्रा लगी, राजा प्लस ऋषि। मनोरथ, न ओ की मात्रा लगी न में, तो मनह प्लस रथ। जभी, भ पे लगी है ई की मात्रा, तो जब प्लस ही। भाग्योदय, यो पे लगी है तो भाग्य प्लस उदय। मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए दोनों पार्ट में बस। दुर्लभ, दू प्लस लभ, यानी दू के बाद र की मात्रा होती ना आधी र की, तो उसको पहले पढ़ा जाता है वर्ड से पहले, दुर्लभ, तो दूह प्लस लभ। विषम, वी प्लस सम। गायक, गेय प्लस अक।
अन्वेषण अनु प्लस एषण प्रत्युपकार प्रति प्लस उपकार। तो ये हमने पढ़ा संधि के बारे में, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी संधि है शब्द में, संधि विच्छेद करना और शब्दों को आपस में मिलाना, आज हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा।